हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आपका ये अकाउंट फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो गया है तो उसे किस तरीके से लॉगिन करें। गाइज, आपका ये अकाउंट किसी भी वजह से डिसेबल हो गया है, लाइक आपने मिसलीडिंग कंटेंट चुन लिया है या फिर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है या किसी भी वजह से आपका जो अकाउंट है डिसेबल हो चुका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस रीज़न से आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो चुका है, मैं आप लोगों को उसे लॉगिन करने में सहायता कर सकता हूँ। सो गाइज, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपका जो अकाउंट है किस वजह से डिसेबल हो चुका है, आपको तो पता ही है, वहाँ पर डायरेक्ट दिया रहता है किस वजह से आपका अकाउंट डिसेबल हो चुका है। तो गाइज, ये समस्या जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये कैसे सॉल्व करोगे आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। उससे पहले गाइज, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपका भाई आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को, तो गाइज आपको करना क्या है, सिंपली आपको गाइज किसी भी, आपको तो पता है कि आप फेसबुक आईडी पे जाओगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, तो आपको सिंपली कहाँ जाना है, किसी भी एक ब्राउज़र में चला जाना है। तो मान लीजिए हम लोग क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, तो सिंपली गाइज यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद एक न्यू टैब खोलना है एंड गाइज यहाँ पर सर्च कर लेना है फेसबुक डिसेबल अकाउंट एंड गाइज सिंपली आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद ऊपर एक वेबसाइट आता है जहाँ पे आपको वाई, मतलब वहाँ पर लिखा गया है आपका जो अकाउंट था क्यों डिसेबल हो गया है। फेसबुक कम्युनिटी से संपर्क करने के लिए आपको सिंपली पहले वाले ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको प्रेस कर देना है। यहाँ पर प्रेस करने के बाद थोड़ा से नीचे करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा कि यूज दिस फॉर्म, मतलब इस फॉर्म को यूज करके तुम एक रिव्यू भेज सकते हो अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करने के लिए। तो सिंपली गाइज हम लोग इसी फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं। सिंपली गाइज आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो गाइज इस पर प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आता है जहाँ पे आपको पर्सनल अकाउंट डिसेबल की इंफॉर्मेशन देता है कि यदि आपका जो अकाउंट है 30 दिनों के अंदर अर्थात 30 दिन से कम हुआ है डिसेबल हुए तो आप इसे पुनः ला सकते हो, अर्थात फिर से आप लॉगिन कर सकते हो, आपका अकाउंट रिव्यू के लिए आ सकता है। एंड गाइज यदि आपका अकाउंट 30 दिन से अधिक हो गया है तो आप उसे लॉगिन नहीं कर सकते हो, अर्थात आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो गाइज नीचे हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो यहाँ पर आपको अपना पर्सनल जीमेल आईडी या फिर ऑफिशियल अकाउंट डालना है नंबर, सॉरी, तो मैं यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट डाल देता हूँ। एंड गाइज यहाँ पर सेकंड है, आपका अपना फुल नाम डालना है जो कि आपका फेसबुक पे है, आपको अपना फुल नेम यहाँ पर डाल देना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ। एंड गाइज आपको नीचे दिया गया है कि एक आईडी डाल देना है जहाँ पे आपका फ़ोटो लगा हुआ है, मतलब आईडी प्रूफ आपको डालना है जो कि यहाँ से आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। एंड नीचे दिया गया है कि ये जो आईडी आप डालोगे तो ये मेरे और आपके बीच में ही रहेगा, किसी और दूसरे के साथ शेयर नहीं होगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड, कोई भी आईडी डाल सकते हो जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। तो सिंपली गाइज हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर डाल देते हैं। एंड गाइज डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सेंड कर देना है। गाइज यहाँ पर हम लोग सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद गाइज होगा क्या, आपका जो अकाउंट है रिव्यू के लिए भेजा जाएगा, फेसबुक कम्युनिटी गाइडलाइंस द्वारा चेक किया जाएगा। एंड गाइज मेरा एक अकाउंट जो कि डिसेबल हो चुका था, मैंने इसी प्रोसेस से अपने 24 से 48 घंटे में मेरा जो अकाउंट था फिर से आ गया एंड मैं उसे लॉगिन करके यूज कर रहा हूँ। गाइज आप भी इसी तरीके से फॉर्म रिव्यू पर भेजकर अपने अकाउंट को लॉगिन फिर से कर सकते हैं एंड बेझिझक उसका प्रयोग कर सकते हैं। एंड गाइज यदि आपको का अकाउंट किसी और वजह से डिसेबल हो चुका है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं आपका हेल्प करने के लिए तैयार रहूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, पुनः मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।